झाड़ू की लकड़ियों से पहाड़े बनाने का प्रोग्राम पी के सिलवासन के काम से हासिल करता है। अगर आपके पास दो झाड़ू की लकड़ी हो तो या तो आप इन्हें मसावी रख सकते हैं या एक दूसरे पर क्रॉस करके रख सकते हैं। अब देखिए, इनका एक ही जोड़ है, यानी एक एक मरतबा एक। ऐसे आप एक जदौल में दर्ज कर सकते हैं, एक ज़र्ब एक बराबर एक। अगर इसी तरह आप दो आड़ी लकड़ियां और खड़ी लकड़ियां रखें तो देखिए इनके कितने जोड़ होंगे, चार। चार जगह एक दूसरे को काटेंगे, चार जोड़ हैं, एक दो तीन और चार, दो दो मरतबा चार, दो ज़र्ब दो चार। आप इसे भी जदौल में लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चे ज़र्ब का जदौल खुद बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, तीन खड़ी और दो आड़ी लकड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ तीन दो मरतबा छः यहाँ लिखें। अब यहाँ तीन खड़ी चार आड़ी हुई लकड़ियाँ हैं, चार मरतबा बारह यहाँ लिखेंगे। इस तरह बच्चे पहाड़े खुद बनाकर लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपके पास नौ लकड़ी आड़ी और नौ खड़ी लकड़ियाँ हों तो उनके कितने जोड़ होंगे, यानी नौ नौ मरतबा लें तो कितने होते हैं। देखें, गिनकर हर लकीर के जोड़ को गिनना है और ये कुल 81 जोड़ हैं और इस जदौल में यहाँ 81 लिखेंगे। इस तरह से ये जदौल बच्चे खेल खेल में मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखें, सिफर से कैसे ज़र्ब करते हैं। दो लकड़ी आड़ी है और दो खड़ी है तो इनके चार जोड़ हैं, इसलिए दो ज़र्ब दो बराबर दो अब भी जोड़ हैं। अब इस खड़ी लकड़ी को हटा दें क्योंकि अब कोई जोड़ नहीं है, इसलिए दो ज़र्ब सिफर बराबर सिफर। अब एक और आड़ी लकड़ी को निकाल दें तो एक ज़र्ब सिफर बराबर सिफर। अब आखिरी लकड़ी को भी हटा दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी सिफर ज़र्ब सिफर बराबर सिफर। ये बहुत ही ठोस तस्वूर है जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर एक कागज़ की पट्टी है जो चौड़ी है, जो 10 लकड़ियों के बराबर है। यहाँ देखें, पट्टी बराबर 10 लकड़ियाँ। अगर दो पट्टी क्रॉस रखें तो इनका जो जोड़ है वो 10 ज़र्ब 10 की कीमत 100 होगी। अब इसमें हम दो हिंदसी आदात के हासिल ज़र्ब देखेंगे। यहाँ एक और खड़ी लकड़ी रख रहे हैं और एक लकड़ी और खड़ी रख रहे हैं, यानी 10 और एक 11 और एक 12। और पट्टी पर अगर लकड़ी होगी तो इसकी कीमत 10 होगी। यहाँ भी 10 लकड़ी पर लकड़ी की कीमत 1 होगी। अब हम तीन लकड़ियों को लिटा कर रखेंगे, ये हो गई 2 और ये तीसरी, तो ये हो गए 10। अब ये हुए 13, 10, 11, 12, 13। आड़ी लकड़ी की तादाद और खड़ी लकड़ियों के 10, 11, 12, अब 12 और 13 को ज़र्ब करें तो कितना होगा। अब देखें, पट्टी पर पट्टी की कीमत है 100, पट्टी और लकड़ी की कीमत 10 है, ये भी है 10। अब इसे जोड़ना शुरू करेंगे, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, यानी 13 और 12 का हासिल ज़र्ब 156 होगा।